जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार होने वाला है। क्या बीएसएफ ट्रेडमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं? अगर आपका बीएसएफ का एग्जाम है तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह सोच रहे हैं कि इस बार अगर मेरा नौकरी नहीं हुआ ना तो मेरा एज खत्म हो जाएगा, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा नौकरी अगर नहीं हुआ तो मेरा तो खटिया खड़ी हो जाएगी, इस बार मुझे इस बार नौकरी लेना है, मैं किसी तरह नौकरी लेना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज टीम वगैरह आते हैं, इंस्टा आईडी पे, फोन पे भी आता है कि सर मुझे इस बार नौकरी दिला दो, सर मुझे इस तरह पढ़ा दो। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, मेरे से बहुत सारे कंसल्ट लोगों का हो रखा है ना, तो इस उम्मीद से आप सभी को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में कुछ इस प्रकार में दिखाने वाला हूँ, है ना, कि परीक्षा कब होगा, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, 90 प्लस स्कोर कैसे करें, है ना, प्रैक्टिस सेट कौन सा लगा, कट ऑफ प्रत्येक राज्य का कितना जाना है ये भी बताने वाला हूँ, है ना, कितने मार्क्स एग्जाम होंगे, पैटर्न इसका क्या होने वाला है, हमारा टारगेट कितना होना चाहिए और पर कैंडिडेट हमारे एक सीट पे कितने होने वाले हैं, फिजिकल में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, इस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर बंदा जो अपनी वीकनेस को लेकर परेशान है, मैं उस सारी वीकनेस को खत्म करने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। कुछ ही वक्त लगेगा, सारी चीज को आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप लोग अपने आप में एक मोटिवेट नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऐसा एनर्जेटिक अनुभव होगा जो आप लोग एक अच्छा फील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा कब होगा, ठीक है। तो परीक्षा कब होगा, यार देखो 20 नवंबर एक टेंटेटिव डेट है ना, अनऑफिशियली डेट निकल चुका था। ये आपको अनऑफिशियल क्यों बताया जाता है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं ना तो आपको एक सराहना के तौर पे आपको बता दिया जाता है कि आने वाले समय में आपका एग्जाम होने वाला है इस डेट को, ताकि आप अच्छे से इच्छुक होकर अपने प्रैक्टिस में लगे रहे, है ना। तो देखो इस डेट पे एग्जाम होने की संभावना कम दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि देखो 20 नवंबर को आरएम का एग्जाम का एक ऑफिशियल डेट आ चुकी है, इसलिए इस पे डाउट हो रही है। अगला कि 27 नवंबर को आपका हेड कांस्टेबल बीएसएफ एग्जाम होने वाली है। तो यार देखो किसी भी एग्जाम को लेकर परेशान मत होना, क्योंकि देखो आपको टेंटेटिव डेट हो या ऑफिशियल डेट हो, आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। क्या आपका सब अगर मैं पूछूं आपसे कि 20 नवंबर को एग्जाम हो जाती है तो क्या आप ही बताओ, क्या आपने प्रैक्टिस सेट 100 लगाया, कम से कम 100 प्रैक्टिस नहीं, कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट लगाया आपने, क्या आपने सिलेबस को कंप्लीट किया? मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पे 50% भी अगर कोई कैंडिडेट की अगर बात होती है ना तो उसमें से आधे से अधिक बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जिनके सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, है ना। कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, है ना, तो कैसे एग्जाम होगा। फिर आप लोग बोलते हो क्या कि सर एग्जाम कैसे निकलेगा, एक सीट कैसे मिलेगा, सिलेक्शन कितने कट ऑफ पे होगा, सर मेरा कैसे नौकरी होगा, है ना, काफी सारे ऐसे आपके मन में डाउट होते हैं। ऐसा डाउट होता है जैसे मतलब पॉसिबल ही नहीं है, यार हर चीज पॉसिबल होता है, ठीक है, बात को ध्यान से समझो, है ना। तो आपको डेट को लेकर नहीं चलना, पहली बात, आपको एग्जाम कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आज पता चला कल आपका एग्जाम है, तो आपको तैयारी इस प्रकार करना है, है ना, कि आपको एग्जाम कभी भी ले आपका मतलब सिलेक्शन हो जाए, एक सीट सुनिश्चित हो जाए। अगला बात करते हैं हमको, जैसे देखिए 20 नवंबर को अगर एग्जाम नहीं होता है ना तो मेरे तरफ से ओपिनियन है कि आपका दिसंबर में एग्जाम होगा ही होगा, है ना। अब आते हैं क्या पढ़े और कैसे पढ़े। मैंने देखिए ये वीडियो देखिए, इस पे सिलेबस का एकदम डिटेल्स मैंने बताया हुआ है, है ना, तो इस सिलेबस को अच्छे से समझ लो आप लोग। देखो यहाँ पे 1000 लाइक से अधिक गए हैं, है ना, इसका मतलब क्या, कुछ तो लोग तो देखे हैं ना, फॉलो तो कर रहे हैं ना, वो आपसे आगे तो निकल गए, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, है ना। अब आते हैं क्या कि मैं ओवरऑल बता ही देता हूँ इस वीडियो में, क्या है ना कि आपको मैथ रीजनिंग और आपका हिंदी पढ़ना है, ठीक है, जीके एंड जीएस पढ़ना है, तो जीके एंड जीएस के लिए दो बुकें मैंने बताया था, एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य अध्ययन आपको ले लेना है, दूसरी बात आपका लूसेंट का सामान्य ज्ञान ले लेना है, इससे आपका क्वेश्चन ओवरऑल हो जाएगा 20 प्लस, ठीक है 25 में। अब आते हैं हिंदी का, तो हिंदी की जो बात कर रहे हैं हम, आपका एसपीडी पब्लिकेशन का ही ले लेना है, पतला सा बुक आता है ना, उसको ले लीजिएगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स वर्षिकांक आता है, कुछ मेरे पास था मैं दिखा देता हूँ, देखो ये तो पुराना वाला बुक है, ये पुराना वाला बुक है, ठीक है, एसपीडी पब्लिकेशन का आता है, इसमें एक साल का वार्षिकांक दिया होता है, इसको आप ले लीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं आपका रीजनिंग का, तो देखिए दीपक कुमार का पतली सी बुक आती है उसको ले सकते हैं, या फिर जनरली आप कोई भी पतली सी बुक ले लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपने पढ़ा होगा मुझे पता है। अब आते हैं मैथ पे, मैथ में क्या पोर्शन है कि मैथ को आपका वीकनेस है, मतलब वीक है आपका मैथ, है ना, आप कमजोर हो मैथ पढ़ने में, तो आपको एसडी जादव का बुक फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मैं कवर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला बुक ले लीजिएगा, नहीं लिए तो ले लो यार, पैसे कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, नौकरी से बड़ी कुछ है नहीं, एक नौकरी में आपको कितनी सारी बुक ले सकते हो, है ना। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, हर बंदा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, मैं भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, तो मैं इस चीज को अच्छे से महसूस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सब चीज देख रहा हूँ, अझेल भी रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं कि 90 प्लस नंबर कैसे लाएं। यार देखो 90 प्लस नंबर लाना कोई बड़ी महारथी वाली काम नहीं है, है ना, 90 प्लस नंबर आप भी ला सकते हो, मैंने भी लाया था,
जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था तो 95-91 ऐसा आता था। एग्जाम में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इसलिए नंबर थोड़ा कम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ खुद की, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। जब मेरे साथ आओ, मेरे साथ प्रैक्टिस लगाओ, देखो मैं एटीट्यूड के साथ नहीं बता रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक गाइडर के तौर पर आपको काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया, टॉप किया। मेरा रैंक अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, अपने कास्ट से 1 नंबर रैंक था ऑल ओवर बिहार में, और जनरल से मेरा 6 नंबर था रैंक, है ना। अब आते हैं, देखिए 90 नंबर जो है ना, 90 नंबर लाने का ट्रिक क्या होता है। देखिए कंटिन्यू से आप जो सिलेबस को पर डे पढ़ना है, रिवीजन करना है, जो नहीं पता उसको तो जानिएगा ही, जो आता है उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो कंटिन्यू रूप से आपका क्या होगा, एक बिल्ड हो जाएगा आपका, मतलब रिवीजन के तौर की वजह से, ठीक है। देखिए इसमें 90 नंबर आने का सबसे मस्त तरीका जो होता है ना, रिवीजन पे रिवीजन करना, दूसरी बात प्रैक्टिस को बार बार सॉल्व करना, एक ही प्रैक्टिस को बार बार सॉल्व करना। कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना इसका मैं अच्छे से बताऊंगा। आगे बात करते हैं प्रैक्टिस सेट, देखिए अगला क्वेश्चन यही है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं। सबसे पहले इसको देखिए, है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप लोग देख लिए होंगे। देखिए इस वीडियो में मतलब ये जो आपको दिख रहा है फोटो, है ना, ये मेरा फ्रंट आपका प्रैक्टिस सेट का कवर है ना। देखिए मैं खुद का इसलिए बता रहा हूँ, देखो मेरा मेहनत कुछ इस प्रकार का हो रहा है, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मेरे हाथ से क्रिएट किया हुआ है, ये मेरे खून पसीने मेहनत और मेरी एक्सपीरियंस के बल पे ये मैंने बना रखा है। ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है, ठीक है ना। बहुत मेहनत करता हूँ मेरे दोस्तों, इस तरह कोई नहीं देता है ना, ये मेरा कुछ मेहनत हमेशा इसी प्रकार होते जा रहा है। मैं डेली क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, और देखिएगा जो लोग मेरे से जुड़े हैं ना, मैं एकदम 100% विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर जिसको भी थोड़ी सी डाउट है ना, मेरे से ले ले पैसे, ठीक है, लेकिन मैं 100% बता रहा हूँ, मेरे जैसा प्रैक्टिस सेट पूरे बिहार में किसी के पास होगा तो मुझे आके कहना, ठीक है। देखो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत मुझे बता रही है कि यार तू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा तो बोलेगा ही, ठीक है। अगर आपको बुरा लगता है तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। क्या होता है ना, एक कहावत कहते हैं कि अगर आप टिकट कटा लियो ना, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, है ना, अगर आप टिकट कटा लियो, अगर खुदा ना खासे उस दिन आपको टीटी अगर चेक ही नहीं किया तो सोचोगे क्या, ऐसा फील होता है ना, जैसे लगता है करोड़ों का संपत्ति आपका खो गया या फिर खर्च हो गया, बेफजूल में चला गया, ऐसा फील करते हो ना। तो देखो यार, खुदा के भरोसे, भगवान के भरोसे आप बैठो मत करो, है ना। वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ ये सब चीजों में, विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे जो चीज मुझे चैलेंज करे, या फिर चैलेंज नहीं मतलब मुझे अगर जज करे और मुझे ठेस पहुंचाए, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं उसी चीज पे मानता हूँ जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो अगर आप मानते हो, ऐसा दुनिया को चला कौन रहा है ना, दुनिया पे कुछ तो विश्वास है, विश्वास कायम क्यों है, कुछ तो सत्य चीज है, और सत्य क्या, एक एनर्जेटिक है जिसको हम भगवान कहते हैं, है ना। अगर आप भगवान पे विश्वास कर रहे हो तो एक बार यहाँ भी विश्वास कर लो। देखो क्या होता है ना कि भगवान से आप सिर्फ वही उम्मीद करते हो जो आप चाहते हो, ठीक है, लेकिन भगवान क्या चाहता है ये आप नहीं समझते हो। भगवान, हर भगवान, जिस भी धर्म से आप रिलेटिव हैं, वो हर भगवान आपके लिए यही चाहता है कि आपके बारे में अच्छा सोचे, मतलब अच्छा हो, है ना। तो आप चाहते हो वो खुदा नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि आपके लिए वो चीज आपको मिले जो आपके लिए बेहतर है। आपको नहीं पता क्या, देखिए पेरेंट्स हमारे बारे में जो अच्छा सोचते हैं हमको उतना समझ में नहीं आता, लेकिन पेरेंट्स को समझ में आता है, हमको डांटते हैं, समझाते हैं, सही डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन हमको कड़वे के समान लगता है ना। सेम वही मेरी बात है, ठीक है। तो अगर मैं आप सभी का गाइडर बन रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो मेरी बातों पर बिलीव करो और इस चीज को परचेज करो। ज्यादा पैसा तो लग नहीं रहा है ना, 50 रुपए लग रहे हैं, 5 प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है। क्यों दिया, क्योंकि 5 प्रैक्टिस सेट में आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो प्रैक्टिस सेट का लेवल है कैसा है ना। इसमें आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है मेरे द्वारा, मैं किसी के हेल्प नहीं ले रहा हूँ, मैं पर्सनली, यार बहुत मेहनत लगता है इस चीज को क्रिएट करने में। ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बहुत मेहनत लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं सोच के ये चैनल क्रिएट किया था, इस चीज को आपसे फायदा हो, ठीक है। यहाँ पे लोग जुड़े, विश्वास के दम पे जुड़े, बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, है ना। करीब करीब जो भी लोग जुड़ चुके हैं उनको अनुभव हो चुका होगा, आज जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं ना, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। अगला बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से जरा समझिएगा, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये 5 स्टेट जो होते हैं ना, ये ऐसे तगड़ेदार स्टेट हैं जहां का कट ऑफ जो होता है ना, बच्चों की वजह से, यानी पढ़ने वाले इतने बारूद जो बच्चे हैं ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ के सारे बच्चे बारूद नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा, सारे स्टेट वाले लोगों को, ये जो होते हैं ना, इस बहुत खतरनाक होते हैं, कोबरा कमांडो की तरह, है ना, क्योंकि इनका कट है बहुत जाता है, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा, वाटर कैरियर का और कुक का हमेशा लमसम समान ही होता है, बाकी सारे ट्रेड का नीचे होता है, क्योंकि ये कट है बहुत ज्यादा जाता है इसमें, है ना। बाकी आपका सीजीओ, ओडिशा, एमपी, झारखंड और दक्षिण दक्षिण
दक्षिण भारतीय राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य है ना, और उसके बाद में कुछ ऐसे जाते हैं, जैसे देखिए सबसे हाईएस्ट इसका जाता है कटअप, ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे लो जाता है, ये सबसे लो जाता है, इसका कटअप की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेक्शन वाली बात है ना। और देखिए ये जो है ना मिड में आता है ना, ना ही उतना अधिक जाता है और ना ही उतना कम जाता है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हो गया है ना, ये आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ कटअप जाता है। देखो यार मैं सबको बोलूंगा यही है ना, सारे एक एवरेज की मैं बात करूं तो सभी को आपको 25 प्लस लेकर चलना है। लड़कियों की बात करूं तो मैं 65 प्लस लेकर चलना है। और मेरे मेरे प्रैक्टिस सेट में ना एक चीज बता देता हूं, लड़के तो सबको मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा मतलब एनर्जेटिक रहता है, जो पढ़ता है, डेली मेहनत करता है, तो वो बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें लड़कियों का कंडीशन क्या है कि सारी लड़कियां जो होती है ना, दिमाग तो लगाती हैं लेकिन सही दिशा में नहीं लगाती हैं, ठीक है। तो देखो उनका तो कटअप कम ही जाता है लड़कियों में। आपको मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप जो भी हैं है ना, तो आप जैसे बहन के समान हो, तो मैं बहन के समान आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो बहन क्या है कि आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप डायरेक्शन में काम करो, आपको आई होप आप सभी बहुत जल्द सफल हो जाओगे। ये 65 नंबर आपको कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा है, 40, 45, 50 करीब है ना, अधिक आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आपको टारगेट 65 प्लस लेकर चलना है, आप किसी भी स्टेट से हो, तो आप मेरे प्रैक्टिस सेट में जुटो, लड़के के साथ फाइट करो। लड़कों के साथ फाइट करोगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ लड़कों के साथ पढ़ने में किस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। तो लड़कियों के लिए बहुत सारा फायदा है। अगर आप कोई भी भाई है तो अपनी जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड है या फिर बहन है, तो जोड़ सकते हो यार, जुड़ो, काफी फायदा होगा आपको इस चीज में है ना। अब आते हैं इसमें बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फिजिकल की बात जो बात कर रहा हूँ मैं, देखिए करीब करीब आपका 3 लाख के बच्चे करीब में पास हुए हैं। 2788 जो सीट है, 2788 है ना, यहाँ पे माइनस प्लस मैंने इसलिए दिया है कि 2,90,97 के करीब आसपास बच्चे पास हुए हैं। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, करीब करीब 3 लाख लेके चल रहा हूँ। 2788 सीट से अगर भाग देते हैं तो करीब करीब आपका 100 प्लस, यानी एक सीट पे 100 प्लस आपके बच्चे होने वाले हैं। तो जरा सोचो यार, एक सीट पे अगर 99 बच्चा को आपको हराना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना मेरे भाई। इस तरह हवाबाजी से नहीं होता नौकरियां, इस तरह हवाबाजी से रिजल्ट नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। 4 राउंड मारने के लिए कितना साल दौड़ना पड़ता है आर्मी रैली में, आपको पता होना चाहिए, ये तो भला एग्जाम ही है। अब आते हैं जो बात होती है ना, ये मतलब किस तरह कटअप बनता है। तो देखो यहीं पे कंपटीशन आधा बच्चे को छाट देता है। हिम्मत है आपको, है हिम्मत आपको इतने बच्चों को फाइट करने का? 250 का ग्रुप जो बनता है ना, सिर्फ 5 से 6 बच्चे पास होते हैं, जरा सोचो। वो आपको एकदम एनर्जी से दौड़ना पड़ता है, ये तो प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे सारे माइंड से एक बंदे आने वाले हैं, आप कुछ नहीं उनके सामने, मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह नहीं होता नौकरियां, इस तरह नहीं होता मार्क्स इंक्रीज, इस तरह नहीं होता ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। एक इंसान के 10-10 ज्वाइनिंग लेटर आते हैं, कैसे आते हैं आपको नहीं पता, अगर पता है ना तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। नहीं पता तो यार इस चीज से फॉलो करो, ठीक है, इस चीज को देखो, जो चीज बता रहा हूँ उस चीज को समझो, ठीक है। हवाबाजी नहीं बात कर रहा मैंने, ठीक है। इस सिलेबस के जो पैटर्न की बात कर रहे हैं, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और 25 जीके एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ये 25-25 आने वाला है, 25-25 नंबर का होगा। समय की जो बात करें तो 2 घंटा हो जाएगा, है ना, 2 घंटे का समय है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको मतलब पढ़ना होगा, है ना। और देखो टारगेट आपको 100 रखना है। 100 में क्यों बोल रहा हूँ कि 100 लाना पॉसिबल है, 100 लाना पॉसिबल है, मैं फिर से कह देता हूँ 100 लाना पॉसिबल है। देखो 100 क्वेश्चन का जब एग्जाम होता है तो 95 मार्क्स, कितना, 95 आंसर ही सही था, 5 क्वेश्चन बोर्ड ने ही गलत कर दिया था। पता है क्यों गलत किया था? कहीं समय में 100 बच्चा ना ला दे, यानी उनको भी डर है कि 100 में 100 बच्चा ला देगा तो मुश्किल हो जाएगा डाटा मतलब तैयार करने में कि कटअप कितना लाया जाए, इसलिए 5 क्वेश्चन सैलरी उन्होंने गलत दे दिया था। मुझे तो 5 में 5 मिला था, जो हिंदी का ही गलत कर दिया था उन लोगों ने। तो देखो आपको 100 में 100 लाने का टारगेट है, तो 100 में अगर 100 क्वेश्चन लाते हो, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स अगर कैंसिल आउट करोगे तो एक सीट होता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, समझ गए आप मेरी बात? आई होप आप इस वीडियो में देखने के बाद ना कुछ ऐसा जुनून आपको मिला होगा कि शायद आप मोटिवेट हो गए होंगे। देखिए सिलेक्शन होने के बाद ना कुछ इस प्रकार का आपको फायदा मिलता है। बट आप लोग इस चीज को देखो, इस पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ जिसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9508144261, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट नंबर जो है ना आपका, पेमेंट नंबर ये है 7091021954,
यार देखो 50 रुपये 49 50 से कम ही है, 49 रुपये लग रहा है, इस चीज को पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद क्या करना है आपको, पेमेंट करने का स्क्रीनशॉट डिटेल्स वाला है ना, उसमें नाम लिख देना है और स्क्रीनशॉट आपको यहाँ सेंड कर देना है। फिर उसको एक टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक देने के बाद में आपको वहां ऐड हो जाना है। दोपहर 12 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, लगाकर तो देखो, अगर डाउट हो ना मैं इतना कहता हूँ आप पैसा वापस ले लेना, ठीक है? इतनी बड़ी, अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ, ठीक है? तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।